सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फुल एचडी थंबनेल कैसे बनाते हैं और फुल एचडी पीएनजी कैसे बनाते हैं। इस दोनों को आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पीएनजी फाइल बना के दिखाता हूँ आपको। पिक्स आर्ट में चले जाना है। तो पिक्स आल्ट में आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे अपना फोटो जिसको पीएनजी फाइल बनाना है उसको आप सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं ये वाला को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसको मुझे पीएनजी बनाना है। तो सिंपल इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो, अभी देख सकते हो उतना गोरा नहीं है, तो सिंपल इसको पहले गोरा कर लेते हैं अपने हिसाब से, देख के एडजस्ट करके तो इसको बढ़िया से कर लेना है दोस्तों। तो सिंपल हमारा फोटो सेव हो गया, देख सकते हो पहले के फोटो ये है और ये अभी जो सेट किए थे। अब सिंपल इसमें जाना है, उसके बाद फ्री क्रॉप में क्लिक कर देना है, उसके बाद सिंपल पोर्शन पे क्लिक कर देना है। पोर्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो गया है। एक बार चेक कर लो इसको बढ़िया से क्रॉप हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो साइड साइड में अभी लगा हुआ है, तो इसको क्या करता है फिर से बैक चले जाते हैं, उसके बाद सिंपल रेस्ट में चले जाते हैं, उसके बाद इसको जूम करके यहाँ से इसको एडजस्ट कर देना है दोस्तों। सिंपल देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है, तो इसको फटाफट से कर लेता हूँ। आप सिंपल देख सकते हो पूरा हमारा पीएनजी फाइल कंप्लीट हो गया है। अब इसको सिंपल सेव कर देना दोस्तों। सेव करने के बाद कुछ इस तरह से आएंगे। आप चाहे तो इसमें साइड साइड में बॉर्डर लगा सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सिंपल इसमें क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद अपने हिसाब से जितना एडजस्ट करना है यहाँ से कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे मैं पीएनजी नहीं लगाने वाला हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ हो गया, उसका डायरेक्टली इसको सेव कर देना दोस्त। तो हमारा ये सेव हो गया है। अब चलते हैं मेन फाइल में जो कि पिक्सल लैब रहता है, उसको तो आप लोग सभी जानते हैं, जितना यूट्यूबर है वो सब लोग जानते हैं। तो पिक्सल लैब में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपने हिसाब से इसके कलर चूज कर लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सिंपली मैं फाइल में चला जाता हूँ, फाइल में जाने के बाद डाउनलोड में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप चाहे तो आप भी डाउनलोड बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल आज इसको लगाने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देना रहता है दोस्तों हम लोग को। तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हो यह है यूट्यूब थंबनेल के साइज, राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद यहाँ पे सिंपल यहाँ पे अपना जो पीएनजी फाइल बनाए थे पीएनजी में फाइल में जाके गैलरी में, उसके बाद सिंपल रिव्यू में जाते हैं। उसके बाद देख सकते हो हमारा पीएनजी फाइल यहाँ शो कर रहा है, तो इसको क्लिक कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो हमारा पीएनजी फाइल आ गया, तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है। अब सिंपल यहाँ पे कुछ भी अपना लिखना होगा, तो सिंपल यहाँ पे टाइटल में जैसे लिख देना है तो कुछ इस तरह से लिख लेना दोस्तों। अब सिंपल ए में चले जाना है। ए में जाने के बाद अपना यहाँ भी जो भी एडिट करना है कर लेना, कॉपी करना है कर लेना है। बाद फ्रंट में जाना है, फ्रंट में जाने के बाद अपने हिसाब से कोई भी फ्रंट चेंज कर लेना उसमें। आप देख सकते हो बढ़िया बढ़िया फ्रंट दिखा रहे इसमें, देख सकते हो दोस्तों। तो सिंपल मैं इसे रखने वाला हूँ, तो इसमें क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे एक नंबर ऐसी बढ़िया दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे सिंपल इसको और बड़ा कर लेना होता है, तो इतना बड़ा ठीक रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अब सिंपल और ये यहाँ पे चले जाना है, तो बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। देख सकते हो कुछ इस तरह से बैकग्राउंड लग जाता है दोस्तों। तो इसमें बैकग्राउंड नहीं लगाने वाला हूँ, तो सिंपल इसके कोर में चले जाना है, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर देना दोस्तों। यहाँ पे इतना सही रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो राइट कर देता हूँ। राइट करने के बाद सीधा कलर में कलर चूज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे
देख लेता हूँ कौन सा कलर यहाँ पे आ रहा है बढ़िया। तो मैं पिंक वाला कर लेता हूँ दोस्तों, राइट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपल और मेरे करना है, यहाँ पे फुल HD थंबनेल लिख दिया हूँ। तो इसको यहाँ से मेरे को एडजस्ट करना है। थंबनेल बनाते समय पूरा वर्ड नहीं लिखना, थोड़ा सा वर्ड लिख लेना है ताकि आपका जो थंबनेल बने सही से बन जाए दोस्तों। तो यहाँ भी आप सेलेक्ट कर लेना है। अब चाहे तो इसको आप 3D में भी बना सकते हो इसको। तो 3D में बनाने के लिए ये देख सकते हो 3D टेक्स्ट दिया है यहाँ पे। सिंपल यहाँ पे अपने हिसाब से 3G बना सकते हो, कोई सा भी रखना चाहते हो तो सिंपल यहाँ से एडजस्ट करके रख सकते हो। तो इसको ऊपर वाले को भी 3D में बना देते हैं दोस्तों। तो इसको भी 3D ही बना देते हैं, देख सकते हो यहाँ पे 3D थंबनेल हम लोग का रेडी हो गया है। अब सिंपल इसको सेव कर देना होता है दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि जैसे आपका दोस्त फेसबुक चला रहे होंगे या फिर इंस्टाग्राम, तो उसमें फोटो एडिट करके फुल HD PNG बना के दूसरे बैकग्राउंड में लेके उसको सेट करके पोस्ट में डाल सकते हैं। और फुल जैसे आपका दोस्त एक यूट्यूबर है तो उसको भी सेंड करना, ताकि उसको फुल HD थंबनेल बनाने के लिए पता चल जाए स्मार्टफोन से। मिलते हैं दोस्तों अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।